हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एट अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट। ये हम लोग बच्चों कवर कर रहे हैं क्लास टेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 6। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों की न्यूट्रिशंस क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है, बट बेसिकली ये तो बस बच्चों खा रहे हैं, मतलब ये फूड है हमारा, ठीक है। न्यूट्रिशंस क्या होता है? तो न्यूट्रिशंस बेसिकली बच्चों क्या होता है आपका, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी एक्वायर करने के लिए, ठीक है ना, क्या करेगा। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइज बाय द बॉडी। मतलब इसमें क्या कहता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशंस लेता है और इसको यूटिलाइज करता है कहां पे बच्चों, फॉर द बॉडी बिल्डिंग, फॉर ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयरिंग द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसको यूज करता है कहां पे, एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी न्यूट्रिशंस हैं इस अर्थ पे वो कार्बन का बना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इस अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है बच्चों, उसमें बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कार्बन कंपाउंड है ज्यादातर, ठीक है। तो जो फूड है और जो न्यूट्रिशंस है बच्चों, न्यूट्रिएंट है, वो भी कार्बन के बने होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है, कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो कार्बन के बने होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों, देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि दो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है, एक है ऑटोट्रॉप्स और एक है बच्चों आपका हेटरोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मिलता है। और इसमें फर्दर हम लोग हेटरोट्रॉप्स को भी बच्चों किसमें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस या पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मतलब होता है बच्चों कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, खुद बनाता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सारा जो भी प्रोसेस है बच्चों ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होता है। तो बेसिकली क्लोरोफिल हमें किसमें मिलेगा, ग्रीन प्लांट में मिलता है। तो ग्रीन प्लांट क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, मतलब फूड का सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया है बच्चों, तो बैक्टीरिया में ऐसा क्लोरोफिल तो नहीं, लेकिन कुछ अदर पिगमेंट होते हैं जो लाइट को ट्रैप कर सकते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस ही मेन वो प्रोसेस है जिसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो भी है वो क्या करते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, लीफ में क्लोरोफिल होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और एनर्जी को क्या करेगा, फूड के तौर पे कन्वर्ट करने लगता है, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशंस था हमारा बच्चों हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो हेटरोट्रॉपिक में यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो आपके डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ऑल एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इसमें आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम लोग देखते हैं बच्चों हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं, तीन तरह के ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। इसमें है आपका सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों ये है ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे ऑर्गेनिज्म फूड को न्यूट्रिशंस को लेता है। जैसे इसमें किसी भी न्यूट्रिशन में तीन स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन और तीसरा होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इन्हीं प्रोसेस के, इसी प्रोसेस स्टेप के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक है कि पैरासाइटिक है या होलोजोइक है, ठीक है। तो चलो इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, टेक फूड डायरेक्टली एंड देन क्या करेगा, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। तो मतलब इसमें क्या होगा, पहला स्टेप इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फिर दूसरा स्टेप डाइजेशन एंड तीसरा स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो अगर ये चीजें हो रहा है तो इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होगा, होलोजोइक ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम, बर्ड्स, फिश और इवन ह्यूमन,
तो ह्यूमन हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड को खाते हैं। तो जो लोग खाते हैं मतलब माउथ होता है, हाथ होता है, पकड़ के फूड को च्यूइंग करेंगे, स्वेल करेंगे, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक कहते हैं आसान भाषा में। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों कि टाइप ऑफ जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस है उसमें जो होलोजोइक हम लोग पढ़ रहे थे, होलोजोइक को हम लोग बांट सकते हैं तीन तरह के ग्रुप में बांट सकते हैं। एक है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है बच्चों ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। और कार्निवोरस जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। और ओमनीवोरस का मतलब हो गया बच्चों जो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकता है, तुम्हारा फीड कर सकता है, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, ओमनीवोरस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वह सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों यहाँ पे है आपका ऑर्गेनिज्म ये फूड को खाएगा नहीं, मैंने इनटेक ऑफ फूड नहीं कर सकता है, ये सीधा फूड के ऊपर ही ग्रो करता है। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब कोई मर गया या डेड बॉडी है उन पे ये ग्रो करते हैं, और उनके ऊपर ये सीधे क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेंगे, उसको फर्दर डाइजेस्ट करेंगे, एंड डाइजेस्ट करने के बाद बच्चों उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है और इसको सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये मशरूम है और ये किसी सड़े गले चीजों पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। जैसे मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, ये सब के सब तीनों क्या है बच्चों, फंगस है। उसके बाद एक है बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो उसमें कुछ सेप्रोफाइटिक ग्रुप होता है। तो सेप्रोफाइटिक जो ग्रुप है बच्चों एक ब्रॉड ऑर्गेनिज्म है जो सड़े गले चीजों को सड़ाता है, गलाता है, उसमें एक है फंगस और दूसरा है बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट है बच्चों हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ना तो इनटेक करेगा फूड का, ना तो डाइजेशन करता है, ये सीधे क्या करता है, ऑर्गेनिज्म से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, विदाउट किलिंग देम। जैसे इसमें है आपका एक प्लांट एग्जाम्पल है, पैरासाइटिक प्लांट कस्क्यूटा, उसके अलावा ऑर्किड, टिक्स, लाइस, लीच, राउंड वॉर्म्स, टैप वॉर्म्स, प्लाज्मोडियम और बैक्टीरिया। तो इसमें बच्चों देख सकते हैं ये क्या है, लाइस है। उसके बाद ये बच्चों आपका देख सकते हो राउंड वॉर्म है जो कि कॉलोन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमका हमारा टैप वॉर्म्स होता है जो कि पेट के अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारे, इसमें क्लियर है बच्चों। तो ये सब कुछ कुछ क्या हो गया आपका, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स है। तो ये तीन हम लोगों ने कवर कर लिया बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, और अगर अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हो, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो बच्चों इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है।